चलो पूछो मैं बहुत खुश हूँ कि अभी पीवीआर पर ये रिलीज़ हो रही है कागज़ की कश्ती. ये बहुत ही वेल मेड डॉक्यूमेंट्री है. इट्स अबाउट जगजीत सिंह हु हैज़ एन अमेजिंग लाइफ. इट्स अ वेरी इंटीमेट पोर्ट्रेट. ब्रह्मानंद ने जो काम किया है बहुत ही अच्छा किया है एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि इसको एक थिएट्रिकल भी मिल रहा है. डॉक्यूमेंट्री तो जगजीत सिंह जी पर है तो उनकी जो लाइफ स्टोरी है जो प्रोसेस था कैसे उन्होंने तरक्की ली उनकी क्रिएटिविटी कहाँ से इंस्पिरेशन कहाँ से आया उनको तो सिर्फ एक गाने के ऊपर नहीं है उनकी पूरे करियर के ऊपर उनकी जर्नी के ऊपर है. मुझे सबसे इफेक्ट तब लगा था जब उनकी वाइफ बात करती हैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे के बारे में क्योंकि शी लॉस्ट बोथ. वो बहुत इफेक्टिव था. आई मीन आई फेल्ट रियली आई वाज क्राइंग व्हेन आई सॉ दैट. वही तो मैं कह रहा हूँ. हाँ जी. नहीं 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 मैंने कोई हेल्प नहीं ली उनकी. मैंने बस प्रेजेंट की है फिल्म प्लेटफॉर्म पर डाली है OTT प्लेटफॉर्म पर डाली है. सारा एफर्ट ब्रह्मानंद का है जो बनाई है फिल्म. ब्रह्मानंद आई मीन सब उनका ही काम है. मैंने प्रेजेंट की है फिल्म मेरा प्रोडक्शन नहीं है. जैसे मैंने कहा ये फिल्म मैंने बनाई नहीं है मैंने प्रेजेंट की है. ये क्वेश्चन आपको ब्रह्मानंद से पूछना पड़ेगा. आई डॉक्यूमेंट्री है जो बहुत कम बनती हैं सपोज या फिर उन्हें ज़्यादा शोकेस नहीं किया जाता है. तो एज अ प्रेजेंटर है यहाँ पे मैं प्रेजेंटर हूँ. मैं भी चाहता हूँ कि ऐसी फिल्मों को मौका मिले प्लेटफॉर्म मिले इसीलिए मैंने इसको OTT प्लेटफॉर्म पर डाला और अभी इसको थिएट्रिकल मिल रही है. फिल्म मेकर्स लाइक ब्रह्मानंद कैन डू विद सच प्लेटफॉर्म्स एंड सपोर्ट ताकि ऐसी फिल्में डॉक्यूमेंट्रीज एक्सपेरिमेंट्स ऐसे फिल्म मेकर्स करते जाएँ उनको मौका मिलते जाए. आई मीन ये ज़रूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री हो वैरायटी की बहुत ज़रूरत होती है ताकि हर एक इंसान को हर एक कलाकार को मौका मिले उनको अपना एक्सप्रेशन देने का एक मौका मिले प्लेटफॉर्म मिले वो ज़रूरी है. हमारी इंडस्ट्री में अक्सर क्या हो जाता है कि एक ही फॉर्मूला पर जो काम होते जाता है तो वो वहाँ पे फिर क्रिएटिविटी भी लिमिट हो जाती है. तो ये ट्रू है फॉर क्रिएटिविटी टू थ्राइव फॉर ओरिजिनलिटी टू थ्राइव यू हैव टू एंगेज अ लॉट मोर पीपल यू नो एंड ओनली देन कैन एन इंडस्ट्री रियली ग्रो एंड रिप्रेजेंट अ कल्चर. सॉरी फॉर मी Well, you know, the opportunity came when the OTT platforms opened up shop here. You know, when I was making my offbeat films back in 2007-8 with Oi Lucky, Dev D, Manorama, the reason those films got released was because there were new cinemas coming up, multiplexes were booming. So suddenly there was more exhibition space and less content. Similarly now with, of course, multiplexes are physical entities, so there's a limited space that they'll have. You know, then they stopped being built. But the digital space is limitless. And that gave the opportunity, and that's why I went towards not just production and development and acting, but even presentation and trying to get a platform for the kind of movies that your regular Bollywood films, studios and producers would not pick up. The OTT platforms, your Amazon, your Netflix, these people will do that because they're looking for culture, they're looking for originality. No, no, go on. Do you think it's a new
start and you will be coming with a web series or something like that apart from this? I'm open to series. I haven't really signed or looked at anything as such. Like I just said, it's the same thing. It's the more platforms are available to our artists in this country, the more originality or variety of work you will see. As long as it's limited to the four or five people that control Bollywood and insist on the formula being the only thing to make in an environment like that, these platforms will give a voice, an opportunity to people who are never given a chance unless they conform to a clique or to a formula. On a very positive note, who three, four people who control Bollywood? It's all positive. I mean, if there are five people who control the industry, there are 50 people who control the industry in Hollywood. You know, it's just that there's a lot, 50 is a bigger number than five. Okay, the last one, what's your take on the Me Too movement which is happening in the entire nation? I think it's important for people's voices to be heard. I think people are hurting, and this is why there's a lot of venting going on. And I think it's the beginning of, it could be the beginning of change. After the purging, then we have to reflect upon now what's next. You know, how do we utilize this anger that people have and put it in the right direction? I think the main obstacle we face for our country is that the law works very slow. And I think that's why there's so much of a noise being made, because you feel like I will not be heard in court, so I will be heard in the papers. Eventually that has to change to I will be heard in the court, and then the papers can report it. That would be the ideal situation, and maybe Me Too will head us in that direction, hopefully. Abhay, what next? I have a whole bunch of movies in post-production. I've gone towards the direction of making my Devdis and Oilakis and Manormas and Ek Chalises, for example of my past. So more such work will be coming out. I will talk more about them when they're up for release. But I have three in post and I'm shooting two at the moment. Thank you. 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 Thank you.